नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु का 394वां नाम, मतलब 394th नेम। 394th, इसका जो टोटल योग आता है वो आता है 7। 3, 9, 4, तो 9, 3, 12 और 4, 16, और 16 का जो योग होता है होता है 7 होता है। तो चलिए, वो हम आपको इसका तो बताएंगे ही। अब आप देखेंगे तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था वो 7वें अवतार थे, टोटल योग 7 है। विष्णु सहस्र नाम पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है, और इस सूची के अनुसार राम जो है भगवान विष्णु के 394वां नाम है, और भगवान राम का नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना हुआ है। दो बीजाक्षरों से बना यह शब्द व्यक्ति के दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पे सिर्फ शक्ति ही प्रदान नहीं करता है, भगवान राम का यदि 3 बार आपने नाम लिया तो ये 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को याद करने जैसा है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज पर शासन किया था, और इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। तो 394वां जो नाम है राम, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब इनका जो जन्म हुआ था भगवान श्री राम का, कब हुआ था? त्रेता युग में हुआ था। तो त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए थे वो श्री राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिए थे त्रेता युग में। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जो संयोग बनता है वो संयोग यूं ही नहीं बनता है। 394 का योग 7 होता है, भगवान श्री राम का 7वां, भगवान विष्णु का जो 7वां अवतार राम होते हैं, तो हर चीज़ का उल्लेख पहले ही उसमें किया गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।